इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर तनिष्क अब आ गया है वैशाली नगर अजमेर में। फॉर बिगर एंड बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस विजिट तनिष्क नियर रिलायंस फ्रेश वैशाली नगर मेन रोड अजमेर। सर हम देव दर्शन कॉलोनी से हैं और यहाँ पर गली नंबर 1 से लेके 21 नंबर तक की गलियाँ हैं जो 2004 से बसी हुई कॉलोनियाँ हैं। पंचायत के द्वारा अभी तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है ग्राम पंचायत सोमलपुर के द्वारा। इसके लिए हमने विधायक साहब के पास भी गए, हम अपने लेटर हेड दिए हैं उनको और उन्होंने हमें कहा गया था कि ये खाताधारी की ज़मीन है, यहाँ पर आप NOC अनापत्ति पत्र दीजिए पंचायत को, उसके बाद में आपका कार्य होंगे। हम पिछले साल हमने अनापत्ति पत्र भी दे चुके हैं लेकिन अभी तक हमारा किसी प्रकार से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्कूल है सामने, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, रोज चोटिल हो रहे हैं, स्थितियाँ आप देखिए रोडों की, कोई भी आना जाना सब दुश्वार हो रखा है। हमें बिल्कुल सौतेला व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा हमारे साथ में, और कभी भी किसी भी तरह का कोई राजनीतिक है कोई भी यहाँ पर आके हमारी शुद्ध ध्यान नहीं करता है। तो इसका हम यही चाहते हैं कि हमें रोड नाली कम से कम एटलीस्ट ये दो सुविधा कराई जाए। मैं 2005 से बिल्कुल सरपंच विधायक MP और सारे मिनिस्टरों को तक अपना व्हाट्सएप पर वीडियो भेज चुका हूँ, कोई सुनाई नहीं हो रही है। पूरे यहाँ न केवल बरसात का पानी बल्कि दीप दर्शन कॉलोनी में नवदुर्गा कॉलोनी वकील कॉलोनी नाड़ी और समलपुर गाँव का पूरा पानी आ रहा है। केवल यहाँ तीन गलियों के ब्लॉक लगाए गए हैं और उन सब का पानी भी दीप दर्शन कॉलोनी गली नंबर 7 में आ रहा है। यहाँ पर इतने मच्छर हो गए हैं कि हम लोग जीवन दुर्भर हो गया है, एम्बुलेंस अंदर आ नहीं सकती है और ना ही प्रेग्नेंट लेडीज को रोड तक ला नहीं सकते हैं, जबकि यह दीप दर्शन कॉलोनी रेलवे स्टेशन से 7 किलोमीटर दूर तथा बस स्टैंड से 9 किलोमीटर दूर, ब्यावर रोड HMT पावर हाउस से मात्र 900 मीटर दूरी पर है, 500 मीटर और 900 मीटर के अंदर अंदर है, परंतु ना तो यहाँ रोड पर लाइट है, ना तो गलियों में भी लाइट है और ना ही प्राथमिक स्वास्थ्य की सुविधा है। कोई एम्बुलेंस भी आ जा नहीं सकता है, वृद्ध और बुजुर्गों को लाने आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप इसको दशा देख सकते हैं और यहाँ के पानी बिल्कुल सारे घरों में पानी घुस गया। बेचारे मध्यम वर्गीय परिवार में पति नहीं है, विधवा है, उसके घर का मकान भी ढहने वाला है।